students about the chapter motion or motion in a plane or motion in one dimension. We are going to present first topic is distance and displacement. देखिए ये एक पोजीशन है ए, पॉइंट ए. यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ए मैन इज स्टैंडिंग हियर. और ये दूसरा पॉइंट है बी. दिस मैन हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी. इस आदमी को ए से बी तक जाना है और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 400 मीटर. तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस 400 मीटर है. अब ये मैन यहां से चलना शुरू कर देता है और ए से बी पहुंच जाता है. तो आप देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी 400 मीटर, वेरी क्लियर. नाउ दिस पर्सन मूव अगेन एंड कम बैक टू द ए, कम बैक टू पोजीशन ए. बी पोजीशन से ए पर वापस आता है. देन अगेन द मैन इज कवरिंग द डिस्टेंस 400 मीटर बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 400. तो अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम इस डिस्टेंस को प्लस कर देंगे और वी विल गेट 800 मीटर, हमको डिस्टेंस मिल जाएगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 800 मीटर आ गया, उसकी वैल्यू पता लग गई. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट को हम देखिए बहुत सिंपल वे में बोले तो डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना. तो आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, हट गए, और उस पोजीशन से वापस अगर आप उसी जगह पर आ जाएं तो फिर वापस उधर से इधर डिस्प्लेस हो गए. फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास ये पेन है, यहां पर है, इस पोजीशन पर ये पेन है, और मैं इसको यहां हटा के कर दूं तो ये पेन को मैंने डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन अगर ये वापस यहां ले आऊं तो ये फिर से वापस आ गया, ये मेरे पास फिर से आ गया. तो यानी कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, इट इज अगेन ऑन द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. तो इसी कंसर्न में अगर देखें तो जाते समय मैन का डिस्प्लेसमेंट है प्लस 400, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 400. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन डायरेक्शन से होता है. मीन्स डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस कवर्ड इट्स जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज द डायरेक्शन. तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी. दूसरी बात, डिस्टेंस इज अ पाथ कवर्ड, डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड इन एनी वे फ्रॉम एनी मीन. किसी भी रास्ते से आप जा रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो होती है वो डिस्टेंस है. द टोटल पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस कवर्ड. बट वंस वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन पोजिशन. हम चेंज ऑफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. तो यहां पर चेंज इन पोजीशन इस डायरेक्शन में था, दूसरी बार में चेंज इन पोजीशन बी से ए की ओर था. तो चेंज इन पोजीशन और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एक बार प्लस में 400 आया ए से बी, और दूसरी बार बी से ए पोजीशन के चेंज में माइनस 400 आया. तो अब हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे. Now we take another example of distance and displacement. This is point A and this is point B, and the distance between point A and B is 400 meter. If we are making another other path also, तो यहां पर हमने एक रास्ता और बनाया है जो रेड कलर से मार्क्ड है. इस रास्ते की लंबाई 500 मीटर है, यह भी आपको A से B तक पहुंचा देता है. दूसरा एक ट्रैक बनाया है ब्लू कलर से, ये 600 मीटर लेंथ का है बिटवीन ए एंड बी. मींस यू कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाया थ्री डिफरेंट वेज,
either go by covering the distance of 400 meter, you can travel 500 meter to reach B, or you can travel 600 meter, it is up to you. You will reach to B. Now the two things are there. A man start moving और वो यहां से चलता है और B तक जाता है सीधे. It is the shortest distance covered, 400 meter. लेकिन बाकी रास्ते से जाएगा तो लेंथ ज्यादा कवर करेगा. तो हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वन डिस्टेंस इज 400 मीटर, अनदर ट्रैक इज 500 मीटर लॉन्ग एंड द थर्ड ट्रैक इज 600 मीटर लॉन्ग. आप किसी भी रास्ते से जाएं, यहां जाएंगे तो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, यहां जाएंगे तो 500 मीटर करेंगे, यहां जाएंगे तो 600 मीटर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज एनी ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट. डिस्टेंस इज एनी ऑफ द पाथ, कोई भी पाथ कवर करें उसकी लंबाई, उसकी लेंथ बिटवीन टू पॉइंट एक डिस्टेंस है. बट वंस वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, हम बोलेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और द डिस्टेंस कवर्ड विच इज द शॉर्टेस्ट वन. क्यों? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं. इनिशियली कहां से स्टार्ट किया, फाइनली कहां पहुंचे, वी आर कंसर्न विद दिस. यानी कि हम ए से चले बी की ओर, तो हमारी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी. जब हम बी से आए ए की ओर, तो हमारी डायरेक्शन है बी से ए. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एनी ऑफ द सिचुएशन, इट इज द 400 मीटर. तो तीन लोग चल रहे हैं, पहला पर्सन 600 मीटर डिस्टेंस कवर करके बी पर पहुंचता है, दूसरा पर्सन 400 मीटर डिस्टेंस कवर करके बी पर पहुंच रहा है, एंड द थर्ड वन इज रीचिंग वाया कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर एंड रीचेस बी. तीनों पर्सन का डिस्टेंस कवर डिफरेंट है, लेकिन तीनों पर्सन का डिस्प्लेसमेंट सिमिलर है. कितना? 400 मीटर, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. क्योंकि तीनों पर्सन का एक ही मोटिव था, दे हैड टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो देखिए डायरेक्शन की बात आ गई ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया. तीनों लोग यहां पहुंच गए. अब तीनों वापस चलते हैं और यहां पर वापस आ जाते हैं. नाउ ऑल द थ्री पर्सन आर मूविंग फ्रॉम बी एंड रीचिंग टू ए. तो अगर हम डिस्टेंस कवर्ड देखें, टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी जाने का और फिर बी से ए आने का, तो यहां टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर हो जाएगा. यहां पे 1200 मीटर डिस्टेंस टोटल कवर आ जाएगा, यहां टोटल डिस्टेंस कवर 800 मीटर आ जाएगा, और यहां टोटल डिस्टेंस कवर 1000 मीटर होगा. पर तीनों पर्सन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे हैव अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड. इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ जाते हैं. नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल इन द मूवमेंट ड्यूरिंग दिस सर्कुलर पाथ. एक पर्सन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ये सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगाता हुआ वापस ए तक आ जाता है. तो अगर आपको इससे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो यू विल यूज द डिस्टेंस कवर्ड ओवर द सर्कमफेरेंस, दैट वी से 2 पाई आर, यानी डिस्टेंस कवर्ड होगा 2 पाई आर. अगर हम कहें ए से बी तक आता है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? पाई इंटू आर, सर्कमफेरेंस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस. अगर हम कहें वो 5 रिवोल्यूशन कर रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा? 5 इंटू 2 पाई आर. कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आएगी. अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीचेस टू बी, ये बी पे आके रुक गया, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड हुआ पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अलोंग द डायमीटर. दिस इज द डायमीटर 2 आर. अब मैन बी से ए तक वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा हो गया पाई आर प्लस पाई आर, दैट इज 2 पाई आर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर ए से बी आने में डिस्प्लेसमेंट प्लस में डायमीटर है, तो बी से ए तक जाने में डिस्प्लेसमेंट माइनस डायमीटर में होगा. तो
तो नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ओवर द सर्किल विल बी जीरो। एक चक्कर पूरा लगाने में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड 2πr होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे अलोंग द डायमीटर ए से बी की ओर प्लस में, बी से ए की ओर माइनस में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल और देखते हैं, बॉडी के फॉल होने में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इन रिलेशन टू अ बॉल विच हैज बीन थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू द सर्टेन हाइट एच। ये बॉल यहां ग्राउंड से चली और एच हाइट तक आ गई, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया एच। अब ये बॉल ऊपर आने के बाद नीचे गिर गई, देन अगेन इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस एच, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ 2h। लेकिन जब बॉल ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट तक जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट है प्लस एच, और जब इस टॉप पोजीशन से ग्राउंड की तरफ आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच। क्यों? क्योंकि जाते समय डायरेक्शन अपवर्ड है और वापस आते समय डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये डायरेक्शन अप डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन है। तो अगर आपने अप को पॉजिटिव ले लिया तो डाउन को नेगेटिव ले लिया, तो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। फाइनली वी कम ओवर द कंपैरिजन चार्ट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दीज आर द फ्यू फोर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिफाइन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट वन, distance as I discussed is the any of the length of path covered in a certain time, but the distance covered in the specified direction in a certain time is the displacement. Ek particular direction mein jo rasta cover ho raha hai wo displacement hai. Distance hamesha jis raste se hum ja rahe hain us par depend karta hai, depends upon path followed. Par jaisa humne discuss kiya, displacement is the shortest distance between two point. ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जहां हमको जाना है सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेचुरली, क्योंकि डायरेक्शन रिक्वायर्ड है डिस्प्लेसमेंट में, और यहां डिस्टेंस में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल देखे कि जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं और वापस अगेन उसी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस तो हमारा टोटल पाथ कवर्ड हो गया। तो डिस्टेंस जीरो ना होने के पर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वही चीज देखिए यहां पर है कि इफ displacement is zero, then we will not say the distance is zero. Distance हुआ, लेकिन displacement zero हो गया क्योंकि हम वापस उसी point पर आ गए हैं। और साथ में displacement अगर हम एक जगह से किसी और direction पे जा रहे हैं positive हो रहा है, तो जब हम वापस उसी position पे reverse back आ रहे हैं तो negative displacement भी हो सकता है, यानी displacement में भी zero, displacement में भी positive और negative, but distance will always be positive. तो आपने इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख लिया, और दोनों की यूनिट मीटर होती है, और सिंपल सी बात है, इट इज द लेंथ कवर्ड। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके बारे में हम लोग अगले मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी